दोस्तों, प्राचीन काल से भारत को रहस्यों की भूमि कहा जाता है। चाहे इसकी विभिन्न गुण, प्राकृतिक घटनाओं या इसके धर्मों और संस्कृति से जुड़ी विलक्षणताओं की बात करें, और जबकि विज्ञान ने हर पहेली के पीछे एक तार्किक कारण खोजने के लिए कड़ी मेहनत की है, यहाँ आधुनिक भारत के कुछ सबसे पेचीदा पहलू हैं जो आपकी आंखों को चौंका देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है कोडिन्ही, केरल का जुड़वा बच्चों का गांव। किसी भी मैट्रिक्स द्वारा दुनिया भर में जुड़वा और 3 बच्चों का गर्भधारण एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। वास्तव में दुनिया में औसतन 1000 सफल गर्भधारण में से केवल 16 के परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चे होते हैं, और यह औसत भारत में केवल 9 से भी कम है। हालांकि यह अनुपात केरल के कोडिन्ही के नींद वाले गांव में बहुत कम है, जिसका रिकॉर्ड है 2000 से अधिक परिवारों की आबादी में जुड़वा बच्चों के 400 जोड़े। आनुवंशिकीविदों और वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इस दुर्लभ घटना की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन अब केवल कुछ प्रगति कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने आनुवंशिकी को एक स्पष्ट कारक के रूप में इंगित किया है, लेकिन इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि धर्म, वंश या उनकी मूल विरासत के बावजूद गांव में रहने वाले सभी परिवारों ने पिछली कुछ पीढ़ियों में जुड़वा बच्चों के औसत जोड़े की तुलना में अधिक गर्भ धारण किया है और संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है शनि शिंगणापुर, बिना ताले और दरवाजों वाला गांव। यदि आप भारत के महाराष्ट्र राज्य में शनि शिंगणापुर गांव का दौरा करने वाले थे तो आपकी पहली धारणा यह होगी कि यह बहुत भ्रमित करने वाला है। आज भी गांव के किसी भी घर में ताले या दरवाजे तक नहीं लगे हैं, और लोग अपने धन दौलत और गहनों को खुले में असुरक्षित छोड़ देते हैं। लेकिन इस रहस्य का अधिक चौंकाने वाला पहलू यह है कि 300 से अधिक वर्षों में चोरी की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। किंवदंतियों के अनुसार इसका कारण यह है कि गांव हिंदू देवता शनि द्वारा संरक्षित है, और जो भी चोर इस गांव को घेरते हैं उन्हें तुरंत अपनी दृष्टि खोकर दंडित किया जाएगा। यह परंपरा इतनी गहरी है कि गांव में अब बैंक और पुलिस थाने भी हैं जो तालाविहीन हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है श्वेतपाल, नागों की भूमि। भारत में विभिन्न जानवरों की उनके साथ जुड़े देवताओं के अवतार के रूप में पूजा करने की एक लंबी परंपरा है, और उनमें से सबसे लोकप्रिय किंग कोबरा है। हालांकि महाराष्ट्र के श्वेतपाल गांव में नागों की तुलना में भारत में कहीं और अधिक श्रद्धेय नहीं है, जहां वे आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में स्वतंत्र घूमते हैं। लेकिन इस विचित्र टोले के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में जहरीले सांपों के बावजूद, जो बच्चों और बुजुर्गों के पास भी बेरोकटोक घूमते हैं, स्थानीय लोगों के बीच सर्पदंश मौत के लगभग कोई मामले दर्ज नहीं हुए हैं। चाहे यह उनकी अपनी प्रतिरक्षा के साथ करना हो या सांपों के साथ विकसित एक सहजीवी बंधन, श्वेतपाल गांव निश्चित रूप से कोबरा की प्रतिष्ठा को मृत्यु के अग्रदूत के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है जटिंगा की सामूहिक पक्षी आत्महत्या। असम राज्य में स्थित यह सुदूर गांव प्रकृति की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। हर साल मानसून के महीनों के अंत के दौरान कई प्रजातियों के पक्षी जैसे बाघ, कड़वाहट, थोड़ा बगुला और तालाब का बगुला क्षेत्र में बांस के खंभे से टकराकर स्पष्ट रूप से आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि पक्षी आमतौर पर महान नाविक होते हैं, यह घटना 1960 के दशक में कई अभियानों के बाद वैश्विक ध्यान में आई। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जैसे भटकाव और कोहरा बनना। हालांकि विशेषज्ञ अभी तक अधिक ठोस स्पष्टीकरण पर नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है पवित्र चूहा संक्रमित करणी माता मंदिर। दोस्तों, राजस्थान का यह मंदिर सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। मंदिर 20,000 से अधिक चूहों का घर है। भले ही यह सुनने में कितना भी घिनौना लगे, किसी को मारने, चोट पहुंचाने या यहां तक कि उन्हें डराने की भी अनुमति नहीं है, ये चूहे या कब्बा, जैसा कि उन्हें वहां कहा जाता है, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है और उनकी रक्षा की जाती है। यही वजह है कि वे मंदिर में आने वाले मनुष्यों की तुलना में अधिक मूल्य रखते हैं।